अस्सलाम वालेकुम, ना खाई मैं खाई इश्तखार गोट फार्म उमापुर गाजीपुर, जो इश्तखार गोट फार्म के ओनर हैं, मालिक हैं, ये हाजी साहब जो आपके सामने उनका दिखा रहे हैं, ये हाजी साहब हैं, ये इश्तखार गोट फार्म के ओनर हैं और उन्हीं के फार्म का ये सब, ये उनके फार्म का लोकेशन है जहाँ पर उनका फार्म है। और ये फार्म जो बना हुआ है बहुत अच्छी क्वालिटी से, बहुत मतलब लंबे चौड़े से हिसाब से बनाया गया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये फार्म बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की गई है। आज भी यहाँ पर जो है 35-40 बकरियाँ से ज़्यादा नहीं, टोटल छोटे से बड़े सब मिला के 35-40 जानवर से अधिक नहीं है इनके फार्म में। इस समय टोटल 25 जानवर उपलब्ध है, सब 35 जानवर थे, सब बिक चुके हैं और टोटल इनके पास इस समय इनके फार्म में 25 जानवर हैं। ये मेरे जानवर, मेरे फार्म की क्वालिटी है। आप मेरे फार्म की क्वालिटी के बच्चे को, बकरियों को देख के अनुमान लगा सकते हैं क्या क्वालिटी है। और इधर इधर देख जो देख रहे हैं दूर से, ये हरा चारा बोया हुआ है, हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि इश्तखार गोट फार्म पर जो ब्रीडिंग के ही पर्पज से रखा गया, आपको यहाँ बच्चे जो 100% की ओरिजिनल ब्रीड ही मिलेंगे। और आप हमारे फार्म का लोकेशन जान सकते हैं, हमारे फार्म का जो लोकेशन है वो महापुर स्टेशन के बगल में है और ये गाजीपुर ज़िला में सैदपुर के बगल में महापुर गाँव है, वहाँ पर यह फार्म स्थित है। आप वहाँ से आप हमारे यहाँ आके आप फार्म विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप जानवर ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, यहाँ ट्रेनिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। आप देखिए ये जो बच्चा बहुत कमज़ोर दिख रहा है, देखिए ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा कमज़ोर है, उसी के सामने हेल्दी है। ये आपको एक मैं वीडियो बनाया था कि राजस्थान से जो जानवर डायरेक्ट लेके आते हैं तो उनका प्रभाव क्या होता है, क्यों बीमार होती है, मर जाती है, ये समझ लें। एक मेरे पास बकरी आई थी राजस्थान से, डायरेक्ट मैं परचेज कर लिया था, मैं परचेज वैसे राजस्थान से डायरेक्ट मंगाता नहीं हूँ, मैं लेता हूँ अपने ही बकरियाँ तैयार करके ही मैं यहाँ सेल करता हूँ, लेकिन मैं ले लिया था। देखिए वहाँ के वातावरण, बकरी बहुत हेल्दी थी, वहाँ के वातावरण से मैं जैसे मेरे वातावरण में आया और बकरी बच्चा दी, और बकरी बच्चा देने के बाद उसकी माँ को मिल्क फीवर हो गया जिससे दूध की कमी हुई। और बच्चे की देखिए आप इतना कमज़ोर हैं, इसको आपके सामने दिखाने में 20 साल में लग गई है। और इसकी माँ जब जिस समय आप देखे थे उसकी माँ का जब लेके आए थे, उसकी माँ बहुत ज़्यादा हेल्थी थी, अब हेल्दी थी और वजन में 55 किलो की वजन था उसकी माँ का। आज ये दशा ये हो गई, कमज़ोर बच्चे हैं लेकिन फिर भी हम बच्चे बचा ले गए, अपने टेक्निकल से बच्चे हम किसी तरह बचा ले गए इतना मेहनत करने के बाद। और आपको मैं इसीलिए एडवाइस देता हूँ कि आप कभी भी राजस्थान से डायरेक्ट माल मत खरीदेंगे, आप खरीदेंगे तो उसका सजा आपको ही मिलेगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप कभी भी डायरेक्ट राजस्थान से माल मत खरीदिएगा और आप किसी फार्म से ही लीजिए जिससे आपको ऐसे ऐसे समस्या से आप बचे रहें। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मुझे संपर्क करिए, आपको मैं पूरी तरह से समझा सकता हूँ। आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग मिलता है आपको हर तरह से। और आपको मैं ऑनलाइन दवाई भी, दवाई के बारे में अगर पूछते हैं, बकरी बीमार है उसके लिए दवाई की पूछते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे लीजिए और मैं आपको दवा बता सकता हूँ। इतना मैं हेल्प करता हूँ, मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।